मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस अक्षरा को फोन कॉल पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही साथ रंगदारी ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार फोन करने वाले ने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर ये रकम नहीं दी गई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मामले को लेकर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बिहार के दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ दानापुर थाने में लिखित शिकायत दी है। हाँ, एक हमें आवेदन मिला था जिसमें अभिनेत्री अक्षरा सिंह के नाम से उस आवेदन को दिया गया था और उनके बिहाफ पर उनके जो लीगल एडवाइजर है उन्होंने उसको दिया है, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें रंगदारी का एक मामला सामने आया है, पुलिस प्रारंभिक जाँच कर रही है। अब जल्दी से जल्दी हम उसमें कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम FIR करनी है तो हम FIR करेंगे और एक्शन लिया जाएगा। उसमें वर्णित तथ्य हैं, उस पर जांच चल रही है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसके प्रारंभिक जांच के अंतर्गत है वो, और जो भी होगा वो बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ, अज्ञात नंबरों से उनके पास कॉल आए और उनकी जाँच कैसे मारा गया, फोन से या फोन के माध्यम से। बता दें कि अक्षरा खुद भी दानापुर में ही रहती हैं। उनकी शिकायत के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है और मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि फोन करने वाले ने अक्षरा से रंगदारी मांगने और धमकी देने के साथ साथ उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी किया है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 2 अलग-अलग नंबरों से उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर दी है और अपराधियों ने साफ तौर से अक्षरा सिंह को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने रंगदारी नहीं दिया तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस पूरे मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पटना पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि 11 नवंबर की रात अक्षरा सिंह के मोबाइल नंबर पर 2 अलग-अलग नंबरों से कॉल करके उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पटना SSP सहित पटना दानापुर इलाके की पुलिस लगातार धमकी देने वाले अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई है और इसी कड़ी में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24, पटना।